पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बढ़ते आगे, गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद में एक और कारोबारी लापता हो गए। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। 27 अक्टूबर से कारोबारी पराग घोष लापता बताए जा रहे हैं। राजनगर एक्सटेंशन से कारोबारी गायब हुए हैं और पत्नी ने सिहानी गेट थाने में उनके अपहरण होने की शिकायत भी दर्ज कराई है। तो गाजियाबाद में एक बार फिर से एक और कारोबारी का अपहरण किया है। कारोबारी लापता बताया जा रहा है। 27 अक्टूबर से पुलिस ने फिलहाल अपहरण का केस दर्ज कर लिया है और 27 अक्टूबर को कारोबारी पराग घोष लापता हुए थे। तब से अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। बताया जा रहा है कि राजनगर एक्सटेंशन से कारोबारी गायब हुए थे, जिसके बाद पत्नी ने सिहानी गेट में शिकायत दर्ज कराई है। तो गाजियाबाद में इससे पहले भी एक बार कारोबारी का अपहरण किया गया था और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद एक बार फिर से गाजियाबाद में एक और कारोबारी का अपहरण हुआ है। 27 अक्टूबर से गायब बताए जा रहे हैं पराग और उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जावेद चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, एक बार फिर से गाजियाबाद में एक कारोबारी का अपहरण किया गया है, 27 अक्टूबर से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जी, जैसे कि बता दूं, गाजियाबाद के सैनिक थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन के व्यापारी है पराग घोष। वो 27 अक्टूबर को अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, इसी बीच रास्ते में से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। वो शाम तक अपने घर नहीं पहुंचे। इस मामले की सूचना परिजनों द्वारा थाना सैनी गेट में दर्ज कराई है। यानी कि अभी तक 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक व्यापारी का कुछ भी पता नहीं लग पाया है और परिजनों को आशंका है कि उनका कहीं अपहरण करके कोई अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने खासतौर पर SSP को भी शिकायत दर्ज कराई है कि कहीं अपहरण के बाद में कुछ ऐसी घटना ना घट जाए जिससे कि उन्हें जल्द से जल्द तलाश किया जाए। बावजूद उसके पुलिस लगातार उसमें तलाश में लगी है, अभी तक उनका कोई पता नहीं लग पाया है। इससे पूर्वी राजनगर एक्सटेंशन से विक्रम त्यागी नामक एक बिल्डर थे, वो भी लापता है। 4 महीने बीत जाने के बाद अब तक उनका कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। तो STF यहाँ तक कि पुलिस के साथ साथ STF भी लगातार प्रयासों में है, मगर बावजूद व्यापारी और कारोबारी और बिल्डर का कुछ पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस पराग घोष की तलाश में है और जल्द से जल्द तलाश कर उनको बराबर करने की बात भी लगातार कर रही है। जावेद, जो उनकी पत्नी की तरफ से तहरीर लिखाई गई है, मुकदमा लिखाया गया, उसमें किसी का नाम लिया गया है या किसी से कोई पुरानी रंजिश या दुश्मनी? जी, फिलहाल जो परिजनों की तरफ से तहरीर दर्ज कराई गई है उसमें उनका आरोप है कि जो कराना कारोबारी पराग घोष है वो किसी कार्य से जा रहे थे और अब तक रात तक वो घर नहीं पहुंचे। कहीं ना कहीं उनकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस ने अपहरण में मामला दर्ज कर लिया है और तलाश की बात कर रही है। अभी आशंका नहीं जताई गई है। फिलहाल अनहोनी की आशंका जताते हुए उन्होंने अपहरण की आशंका भी जताई है। जी जावेद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक व्यक्ति जिनका नाम पराग घोष है, उनके परिवारजनों के द्वारा एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस उनके परिवार वालों से बातचीत करके उनके जिन जगह संभावित जगहों पर वो जा सकते हैं उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और अपने स्तर से भी हर तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनका पता लग सके। तो गाजियाबाद में एक बार फिर से एक कारोबारी का अपहरण हुआ है। 27 तारीख से गायब हैं कारोबारी पराग और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया। फिलहाल पुलिस पूरी मुस्तैदी से छानबीन में और उनकी तलाश में जुटी हुई है।